हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे पेपर सेकंड के फर्स्ट यूनिट का। रोल ऑफ मेटल आयंस बायोलॉजिकल सिस्टम में हम स्टडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी इन दिस क्लास इज द सोडियम पोटेशियम पंप। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज द पंप एंड अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज परफॉर्म इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में चलने वाला, परफॉर्म होने वाला ये एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है। अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इसको हम पहले थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे, देन डायग्रामेटिकली भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। सोडियम पोटेशियम पंप, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है Na+K+ATPase। ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है which acts as an enzyme to operate the sodium potassium pump. Sodium potassium pump actually एक ऐसा pump है जो cell membrane के across sodium और potassium का transfer करता है। Number of ions fixed हैं कि कितने potassium ions transfer होंगे, कहाँ transfer होंगे। Number of sodium ions भी fixed हैं कि कितने K+ ion transfer होंगे और कहाँ transfer होंगे। ये जो mechanism है sodium potassium pump का, वो एक एंजाइम, एक ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम की प्रेजेंस में काम करता है। ये एंजाइम कहलाता है Na+K+ATPase। इट इज प्रेजेंट एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब मेम्ब्रेन के में प्रेजेंट में पाया जाने वाला एक एंजाइम है या एक प्रोटीन है। इसको फर्स्ट टाइम इट वॉज आइसोलेटेड बाय जेम्स काउ। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस Na+K+ATPase को फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था। नाउ व्हाट इज दिस Na+K+ATPase इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन द Na+K+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप में ही काम करता है। किस तरह से काम करता है? ये पंप करता है किसको? 3 Na+ को सेल से बाहर, आउट ऑफ द सेल, और 2K+ को इनटू द सेल। जो ये Na+K+ATPase एंजाइम है, ये मेम्ब्रेन में, सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और पंप करने में हेल्प करता है। किसको पंप करता है? 3 Na+ को ये सेल से बाहर पंप कर देता है और 2K+ को ये सेल के अंदर पंप कर देता है। सो इट मेंटेन्स अ लो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो एंजाइम है ये क्या मेंटेन करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन तो Na+ का कहाँ पे? इनसाइड द सेल, इन द सेल। एंड Na+ का हाई कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। इसी Na+ का हाई कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम के अंदर। Na+K+ATPase एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होके 3 Na+ को सेल के बाहर डाल देगा, तो Na+ का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में, मीन्स आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में तो बढ़ जाएगा और इनसाइड द सेल इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ आयंस, ये जो आयंस का सेल के अंदर बाहर मूवमेंट है, इट डेवलप्स, इट जनरेट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है इस आयनिक मूवमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर। जब आयंस मूव करते हैं तो एज अ रिजल्ट एक ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी विल स्टडी नाउ इज दिस, दैट Na+K+ATPase जो एंजाइम है, इसकी दो कॉन्फॉर्मेशंस हैं। जो दो कॉन्फॉर्मेशंस हैं, एक को हम कहते हैं E1, एक को हम कहते हैं E2। दोनों कॉन्फॉर्मेशंस की आयंस के लिए एफिनिटी और द इंटरैक्शन विद द आयन और द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आयन इज डिफरेंट। पहली जो E1 कॉन्फॉर्मेशन है, जब Na+K+ATPase जो है अपने E1 शेप में या E1 कॉन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट होगा, इट विल हैव हाई एफिनिटी फॉर Na+ बाइंडिंग साइट्स, मतलब उससे Na+ ज़्यादा जुड़ेंगे। और जब Na+K+ATPase अपने E2 कॉन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट होगा, तो ये एफिनिटी Na+ के लिए तो कम हो जाएगी और K+ के लिए बढ़ जाएगी। इट विल हैव हाई एफिनिटी फॉर K+ बाइंडिंग साइट। ये आप ध्यान रखेंगे कि Na+K+ ATPase नाम का जो एंजाइम है, इसकी दो कॉन्फॉर्मेशन है, E1 और E2। E1
इवन कॉन्फर्मेशन जो है उसकी एफिनिटी एन ए प्लस के लिए ज़्यादा होती है, और जो ई टू कॉन्फर्मेशन है उसकी एफिनिटी के प्लस के लिए ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, किस तरह से ये पंप करता है एन ए प्लस और के प्लस को सेल के अंदर या सेल के बाहर। सबसे पहले क्या होता है, ये एन ए प्लस के प्लस ए टी बेस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसकी ईवन कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। हम पढ़ चुके हैं कि ईवन कॉन्फर्मेशन जो है उसकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा होती है, एन ए प्लस आयन के लिए। सो व्हाट विल इट डू, इट विल बाइंड विथ थ्री एन ए प्लस आयन्स फ्रॉम द सेल इंटीरियर। सेल के अंदर से एन ए प्लस के प्लस ए टी बेस जो है वो किससे बाइंड कर लेगा, तीन एन ए प्लस आयन्स को बाइंड कर लेगा। अब इन टर्न ये जो तीन एन ए प्लस आयन्स हैं दे विल बाइंड विद द एटीपी। ये एटीपी के साथ में जो सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर एटीपी है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये एटीपी के हाइड्रोलिसिस से होता है। ये जो पंपिंग का प्रोसेस है सेल के अंदर और बाहर आयन्स के एन ए प्लस और के प्लस आयन्स के मूवमेंट का जो सोडियम पोटेशियम पंप का प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ईवन कॉन्फर्मेशन था इस एंजाइम का उसने तीन एन ए प्लस के साथ में बाइंड किया। ये तीन एन ए प्लस बाइंड करेंगे किसके साथ में, एटीपी के साथ में जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये एटीपी विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट, एस्पार्टिक एसिड यू एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होएगा तीन एन ए प्लस के साथ जुड़ने पर तो एटीपी के हाइड्रोलिसिस से फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा। ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होएगा, कहाँ ट्रांसफर होएगा, एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू में, और वहाँ पे ये जुड़ के उसके साथ में बनाएगा एस्पार्टाइल फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एस्पार्टिक एसिड के रेसिड्यू के साथ में जुड़ के बनाएगा एस्पार्टाइल फॉस्फेट। नाउ दिस एस्पार्टाइल फॉस्फेट विल इंड्यूस अगेन अ कॉन्फर्मेशन चेंज। क्या कॉन्फर्मेशन चेंज कर देगा, अभी ईवन कॉन्फर्मेशन चल रहा है, इट विल चेंज फ्रॉम ई1 टू ई2। यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये जो एस्पार्टाइल फॉस्फेट है इट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम ई1 टू ई2। नाउ एज वी ऑल नो दैट ई2 हैज लो एफिनिटी फॉर एनए प्लस एंड हाई एफिनिटी फॉर के प्लस, तो ये जो ई2 है बिकॉज इट हैज लो एनए प्लस एफिनिटी ये एनए प्लस को रिलीज कर देगा। ये देखो, सो इट विल रिलीज एनए प्लस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर ये एन ए प्लस को रिलीज कर देगा और वहाँ से किसको बाइंड कर लेगा, 2K+। क्यों, क्योंकि इसकी एफिनिटी के इनके साथ में ज़्यादा है, एन ए के साथ एफिनिटी नहीं है, तो एन ए को तो छोड़ देगा सेल के बाहर और के प्लस को बाइंड कर देगा। नाउ जब के प्लस इससे जुड़ गया है तो फॉस्फेट ग्रुप का फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, देन द कन्फर्मेशन विल रिवर्ट बैक टू ई1। अभी ई2 थी, ई2 से वापस ई1 पे आ जाएगी। ई1 की एफिनिटी अगेन एन ए प्लस के लिए ज़्यादा है, के प्लस के लिए कम है, क्योंकि इसकी एफिनिटी के प्लस के लिए कम है तो ये सेल के अंदर के प्लस को रिलीज कर देगा, इट विल रिलीज इट इनसाइड द सेल। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में तीन एन ए प्लस को सेल के बाहर चले गए और 2K+ सेल के अंदर। दिस विल जनरेट अ ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन के में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जिसको मेजर किया गया है, ranges from -50 mV to -70 mV, and this transport of ions K plus ka aur N plus ka jab transport hoega ions ka to isko hum jo term use karte hain is transport of ions ke liye usko hum kehte hain electrogenic, and kyun kehte hain isko electrogenic, because it helps in the generation of electric potential. ye transport of ions electrogenic kehlata hai kyunki ye एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप करने में हेल्प करता है। वंस अगेन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए इसको, जो मैंने प्रोसेस बताया, आई एम गोइंग टू गिव यू अ रीकैप ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। हम पढ़ रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के ऑपरेट करने के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है एन ए प्लस के प्लस ए टी बेस। ये एंजाइम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था जेम्स काउली।
ये जो एंजाइम है इसका काम है पंपिंग में हेल्प करना। ये एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनए को प्लस को और के प्लस को सेल के अंदर बाहर पंप करता है। कितने एनए प्लस को? 3 एनए प्लस को सेल के बाहर पंप देता है और 2 के प्लस को सेल के अंदर पंप कर देता है। और इस वजह से ही एनए का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर तो कम हो जाता है, विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, और एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में एनए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इस मूवमेंट ऑफ आयंस को हम की वजह से जनरेट होता है ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनए प्लस के प्लस एटीपेज इज दैट इट इज प्रेजेंट, इट एग्जिस्ट इन 2 कॉन्फर्मेशंस। ये 2 कॉन्फर्मेशंस में पाया जाता है, E1 एंड E2। दोनों कॉन्फर्मेशन की एफिनिटी अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग है। E1 जो है वो एनए प्लस के लिए एनए प्लस बाइंडिंग साइट से एफिनिटी ज़्यादा रखता है, के प्लस से कम रखता है। E2 जो है वो के प्लस बाइंडिंग साइट से एफिनिटी ज़्यादा रखता है और एनए प्लस से कम रखता है। तो जब मेम्ब्रेन में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है तो वो E1 कॉन्फर्मेशन में होता है। जब E1 कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि E1 की एफिनिटी एनए प्लस के साथ ज़्यादा है, तो ये सेल के अंदर से 3 एनए प्लस को बाइंड कर देगा। ये 3 एनए प्लस इन टर्न एटीपी को बाइंड करेंगे। ये जो एटीपी है इट विल देन गेट हाइड्रोलाइज्ड और हाइड्रोलिसिस से फॉस्फेट ग्रुप उसमें से निकल जाएगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू के साथ में मिलके एस्पार्टाइल फॉस्फेट बनाएगा। इस एस्पार्टाइल फॉस्फेट की प्रेजेंस में अगेन द कन्फर्मेशन विल चेंज फ्रॉम E1 टू E2। अब जो E2 है उसकी एनए प्लस के लिए एफिनिटी कम है, इस वजह से वो एनए प्लस को छोड़ देगा सेल के बाहर और वहाँ से के प्लस को बाइंड करके और सेल के अंदर लेके आएगा। जब ये के प्लस को बाइंड करेगा तो फॉस्फेट ग्रुप का फिर से हाइड्रोलिसिस होगा एंड द कॉन्फर्मेशन विल रिवर्ट बैक टू E1। अब E1 की एफिनिटी क्योंकि के प्लस के लिए कम है तो वो इसको सेल के अंदर छोड़ देगा। ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस होगा इसकी वजह से पोटेंशियल इस रेंज में पोटेंशियल जनरेट होगी और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोजेनिक, क्योंकि इसकी वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अभी तक हमने थ्योरेटिकली इसको समझ लिया। अब हम सेम प्रोसेस द सोडियम पोटेशियम पंप का वर्किंग जो है वी विल स्टडी इट डायग्रामेटिकली। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। जो वर्किंग है सोडियम पोटेशियम पंप की हम उसको डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए आपको क्या बताया मैंने कि एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है एनए प्लस के प्लस एटीपेज। वो कहाँ प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन के अंदर। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल के आसपास उसकी बाउंड्री बनाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है इसमें ये एंजाइम प्रेजेंट है। ये एंजाइम अपनी कौन सी कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट है? E1 कॉन्फर्मेशन। और E1 कॉन्फर्मेशन हम पढ़ चुके हैं कि इट इज मोर, इट हैज मोर एफिनिटी फॉर एनए प्लस आयंस। तो जो एनए प्लस आयंस सेल के अंदर प्रेजेंट हैं उसको हमने इस डॉट से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि ये E1 कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट है तो इट विल बाइंड विद 3 एनए प्लस आयंस, व्हिच यू कैन सी हियर। या आप देख सकते हैं ये 3 एनए प्लस आयंस से जो एंजाइम है उसने अपनी E1 कॉन्फर्मेशन में रहते हुए बाइंडिंग शुरू की। इस प्रोसेस में क्या हुआ? एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ। एटीपी चेंजेस इनटू एडीपी एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव्ड। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा इट विल रिजल्ट इनटू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम। इस फॉस्फोराइलेशन ऑफ एंजाइम की वजह से क्या होगा? इस एंजाइम की कॉन्फर्मेशन विल चेंज। किससे किसमें? E1 से E2 में। E1 में तो ये था, जब इसने बाइंडिंग कर ली 3 एनए प्लस के साथ में इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया। इस फॉस्फोराइलेशन की वजह से इसकी कॉन्फर्मेशन इट चेंजेस फ्रॉम E1 टू E2। नाउ दिस E2 हैज वेरी लेस एफिनिटी फॉर एनए प्लस, सो इट विल रिलीज दिस एनए प्लस। इसने ये 3 एनए प्लस को रिलीज कर दिया, इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज हो गई। कॉन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से ये 3 एनए प्लस रिलीज हो गए। ये 3 एनए प्लस रिलीज होने के बाद में अब ये क्योंकि E2 कॉन्फर्मेशन में है और E2 कॉन्फर्मेशन में एंजाइम की एफिनिटी इज मोर फॉर के प्लस, के प्लस के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये के प्लस फॉर्म में अब डॉट से रिप्रेजेंट किया है तो इट विल बाइंड विद 2 के प्लस आयन, बाइंडिंग ऑफ 2 के प्लस आयन। ये 2 के प्लस आयन से बाइंड कर जाएगा और अभी ये कौन सी कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द
ईवन कन्फर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इसका फॉस्फोराइलेशन था इट विल अगेन डी रिजल्ट इन टू डी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। डी फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, डी फॉस्फोराइलेशन हो गया। डी फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से द कन्फर्मेशन अगेन रिवर्ट्स बैक फ्रॉम ई टू टू ई वन, ये वापस ई वन में हो गई। देखिए जैसा ये था वैसा ये बन गया। इस प्रोसेस में क्योंकि ई वन की एफिनिटी के लिए कम है सो इट विल रिलीज द टू के प्लस आयन जो इससे बाइंड हुए हुए थे उसको ये रिलीज कर देगा। दिस इज हाउ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू एन ए थ्री एन ए प्लस एंड टू के प्लस आयन आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, हमने सोडियम पोटेशियम पंप का वर्किंग देख लिया। हमारे बॉडी में इस पंप का क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स, हमने चार इंपॉर्टेंट रोल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए। लेट्स स्टडी देम। फर्स्ट है इसकी जो इम्पोर्टेंस है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन के अंदर सोडियम आयन्स का, वेदर इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों के मैकेनिज्म्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में Na+ आयन के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में Na+ K+ पंप का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंडली इट मेंटेन्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जनरेट होता है ये सोडियम पोटेशियम पंप उसको मेंटेन करता है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेम्ब्रेन में हमको क्यों जरूरत है? फॉर सो मेनी फंक्शंस, इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके लिए इस सोडियम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत है। क्या क्या फंक्शंस हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व्स का जो काम है किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना या ट्रांसफर करना फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, ये नर्व्स का काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। जब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा तब तक ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकेंडली फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स हमारे बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। न केवल नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर द कार्डियक फंक्शन एज वेल, हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी इस सोडियम पोटेशियम पंप का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, इस वजह से ये सारे वाइटल फंक्शंस जो है हमारे बॉडी के जिनके बिना द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ये फंक्शंस में सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है न केवल ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये कई सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन एज वेल एज देयर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड क्लोराइड आयन, इन सब के एब्जॉर्प्शन में बॉडी में प्रॉपर एज वेल एज देयर ट्रांसपोर्ट इज असिस्टेड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। एंड द लास्ट इज इट हेल्प्स टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में भी ये सोडियम पोटेशियम पंप का इंपॉर्टेंट रोल है। टू सम अप वी कैन से द सोडियम पोटेशियम पंप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत बहुत आवश्यक है। ये प्रॉपर सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में, न केवल सोडियम के, ये कई सारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन और उनके ट्रांसफर में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि इट कैन बी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और क्लोराइड आयन, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है बाय मेंटेनिंग द मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। न केवल ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास, द सोडियम पोटेशियम पंप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।